देश में कोविड-19 के मामलों में कमी देखी जा रही है, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसे 14 फरवरी से लागू कर दिया जाएगा। हाय, मेरा नाम अदिति है और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री ने अब अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनल अराइवल जारी किया है, जिसे 14 फरवरी से लागू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अब नए नियमों के मुताबिक खतरे वाले देशों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अब 7 दिन का अनिवार्य होम क्वारंटाइन को खत्म कर दिया है। भारत सरकार ने यात्रियों के लिए 14 दिन का सेल्फ मॉनिटरिंग को रिकमेंड किया है। भारत आगमन पर सभी देशों के 2% यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। ये यात्री अब एयरपोर्ट पर ही अपना सैंपल लेकर घर जा सकते हैं। अब से सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अपनी यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें उन्हें अपनी सभी जानकारी देना अनिवार्य होगा। इस डिक्लेरेशन फॉर्म में उन्हें अपना ट्रैवल रिकॉर्ड देना होगा। इसके अलावा उन्हें 72 घंटे की NTPCR रिपोर्ट नेगेटिव और कोरोना की दोनों डोज लगने का सर्टिफिकेट भी देना अनिवार्य होगा। अगर इस फॉर्म में दी गई कोई भी जानकारी गलत साबित होती है या फिर कोई फरेब होता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। नए नियमों के मुताबिक अब बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही फ्लाइट में सफर करने दिया जाएगा। साथ ही साथ फ्लाइट में सफर करने के दौरान यात्रियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना भी अनिवार्य होगा। भारत आने पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर थर्मल स्क्रीनिंग में पाया जाता है कि यात्रियों में किसी भी तरह के कोरोना के लक्षण हैं, तो उन्हें तुरंत ही आइसोलेट भी किया जाएगा। तो वही समुद्री बंदरगाह और जमीनी बंदरगाह से आने वाले यात्रियों के लिए भी यही नियम लागू होंगे, लेकिन उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं होगी। तो वही 5 साल के बच्चों की टेस्टिंग की छूट दी गई है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहेंगे। और अगर आपने अभी तक पब्लिक न्यूज का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए, क्योंकि हम आपसे मिलते हैं यहाँ पर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ।